आज बिल्लाह मिन शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स आई एम योर ओन टीचर सर वसीम ज़ुल्फ़िकार डियर स्टूडेंट्स चैप्टर 10 क्रिएटिंग एनिमेशन इन फ्लैश CS3 इसकी रीडिंग और कॉन्सेप्ट आप करेंगे जो कि डायरी आपको बताई है स्टूडेंट्स इसमें ये बात कर रहे हैं आपस में जी कि यार ये कार्टून्स कैसे बनते हैं इन फिल्म्स के बारे में मुझे नहीं पता देन ये टोगल उसको बताता है कि भाई ये तो बेसिक है तो मैं आपको बता दूंगा कि ये कैसे बनते हैं ठीक है तो ये जो एनिमेशन है कार्टून्स की उसकी फिल्म कैसे क्रिएट होती है इस चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे। देखिए इसमें एनिमेशन के बारे में अगर बात हो रही है तो एनिमेशन क्या होती है हम लोग डिफरेंट पिक्चर्स का एक स्लाइड शो प्ले करते हैं ठीक है तो वो पिक्चर्स की मूवमेंट एनिमेशन कहलाती है। क्रिएटिंग सिंबल्स सिंबल क्या होता है अ सिंबल इज़ अ ग्राफिक इमेज एनिमेशन और बटन डेट इज स्टोर्ड अलोंग विद अ मूवी। एक सिंबल एक तस्वीर हो सकती है या कोई एनिमेशन या बटन हो सकता है जिसे हम मूवी में बार बार यूज़ करते हैं ओके और ये जो कन्वर्टिंग अ ड्राइंग इन टू अ सिंबल है हम अपनी कोई भी पिक्चर को सिंबल में कन्वर्ट करते हैं ताकि उसका साइज़ कम से कम हो जाए। ये देखिए जैसे कि अगर हमें सिंबल में कन्वर्ट करना है तो मॉडिफाई के ऑप्शन में जाके कन्वर्ट टू सिंबल होता है वहाँ पे आप सिंबल का नेम राइट करेंगे देन ओके कर देंगे ठीक है और यहाँ से ग्राफिक चूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप जब सिंबल क्रिएट करते हैं वो लाइब्रेरी में सेव हो जाता है ठीक है आप उस सिंबल को जितना मर्जी यूज़ कर सकते हैं अपनी फाइल के अंदर ओके तो सिंपली यहाँ से आप इसको क्लिक करके यहाँ पर लेकर आते हैं और ये फाइल में आ जाता है जितनी मर्तबा चाहें हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है अंडरस्टैंडिंग द टाइमलाइन। टाइमलाइन के बारे में ये है कि टाइमलाइन क्या होती है द एरिया वेर यू वर्क विद फ्रेम्स टू ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल द कंटेंट एंड एनिमेशन ऑफ योर मूवी। देखिए आप अपनी मूवी का जो भी कंटेंट होता है आप उसके फ्रेम्स वगैरह को जो ऑर्गेनाइज करते हैं कंट्रोल करते हैं तो ये वो एरिया होता है टाइमलाइन का ये आपको सामने नज़र भी आ रहा है।